हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने ईएमए प्लस फ्रैक्टल स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय आवर सब्सक्राइबर धवल चचाड़िया की तरफ से था, उसका बैक टेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे डाला था। रिजल्ट्स वर गुड। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू शेखर तरोड फ्रॉम ट्रेड स्विंग्स, हु हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 150K सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल स्क्रीन पे देख सकते हो। हमारे भी चैनल पे 10K होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो जल्दी कर दो यार। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर फ्री स्ट्रेटजी सीरीज, वेयर वी टेस्ट स्ट्रेटजीज प्रोवाइडेड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रेटजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। हमने इनका ऑलरेडी एक और स्ट्रेटजी पहले ही हमारे चैनल पर बैक टेस्ट किया है, रिजल्ट्स वर गुड। आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा, फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ये वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। सो टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी प्रोवाइड बाय शेखर तरोड फ्रॉम ट्रेड स्विंग्स। स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हो। भाई साहब क्या वीडियो था, कितना सब्जेक्टिवली उन्होंने रूल समझाया है ना, क्या बताओ। आगे रूल समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है। ये स्ट्रेटजी में उन्होंने सिर्फ एक ही इंडिकेटर का यूज किया है और वो है सुपर ट्रेंड। और इनके हिसाब से स्टार्ट के फर्स्ट 15 मिनट्स में ही आपको ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएगा और फर्स्ट आवर में ही आपको एंट्री मिल जाएगा पूरे ट्रेड में। उन्होंने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ निफ्टी में यूज करना है आपको, क्योंकि निफ्टी में वॉलीटिलिटी जो रहता है ना वो कॉन्स्टेंट और अच्छा रहता है, वेरस बैंक निफ्टी में वॉलीटिलिटी कभी कभी बहुत ज्यादा होता है या कभी कभी तो वॉलीटिलिटी रहता ही नहीं है। सिंस ये इंडेक्स स्ट्रेटजी है तो आप जानते हो कि हम इंडेक्स स्ट्रेटजी को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं, और आप वो रिजल्ट को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि ये स्ट्रेटजी ऑप्शंस में कैसे काम करती है। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय ट्रेड स्विंग्स को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी में और चेक करेंगे कि काम कैसे करता है। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और निफ्टी का चार्ट प्लॉट करेंगे। सिंपली इधर ऊपर क्लिक करो और निफ्टी सर्च करो तो आपको निफ्टी 50 आ जाएगा, उसे क्लिक करो और ये लो चार्ट आ गया। अभी टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स कर देंगे। इसके बाद इधर ऊपर इंडिकेटर्स में क्लिक करके सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे। ये सुपर ट्रेंड बिल्ट इन वाला आ जाएगा, इसको क्लिक करके हम चार्ट में ऐड कर देंगे। अभी इसके सेटिंग्स में जाएंगे और ATR लेंथ को 13 कर देंगे और फैक्टर्स को 4 कर देंगे और ओके कर देंगे। बस इतना ही हो गया, सेटअप रेडी। रूल्स देखने से पहले मैं उनके वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये कॉमन थीम है जो मैंने नोटिस किया है यूट्यूब ट्रेनर्स में, कि इतने सब्जेक्टिवली रूल्स बताते हैं ना कि क्या बताओ, और कभी कभी कुछ ऐसा ही बोल देते हैं, ऐसा लगता है कि हम पागल है जो इनकी बात सुनते हैं और अपना दिमाग ही नहीं लगाते। ऑनेस्टली इतने बार उन्होंने रूल्स तोड़ा है अपने सेटअप में एग्जाम्पल समझाते वक्त कि क्या बताओ। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि उन्होंने रूल्स क्या समझाया है। पहले बोला कि ये जो 950 कैंडल है, दैट इज फर्स्ट कैंडल, उसका हाई और लो आपको मार्क करना है। अब सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा तो जैसे ही प्राइस हाई के ऊपर गया तो आपको एंट्री लेना है, और अगर सुपर ट्रेंड रेड रहा तो जैसे ही प्राइस लो के नीचे रहा तो अब आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस बाय के केस में कैंडल का लो रहेगा और सेल के केस में स्टॉप लॉस कैंडल का हाई रहेगा, और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। और एक और चीज़, ये एंट्री जो आपको लेना है ना, दो या तीन कैंडल के अंदर ही लेना है, उससे ज़्यादा कैंडल तक वेट नहीं करना है। जैसे ये केस में देखिए, यहाँ सुपर ट्रेंड रेड है बराबर और प्राइस लो के नीचे चला गया, तो हम लो पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हाई पे रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। साउंड सिंपल राइट? ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी सेटअप सेम है, सुपर ट्रेंड रेड है, कैंडल के लो के नीचे प्राइस गया है तो हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस कैंडल का हाई और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क, और ये भी विन। ये वाला एग्जांपल याद रखना, इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, मैं इसको आगे रिपीट करूंगा। अब ये नेक्स्ट वाला सेटअप देखते हैं, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, ये देखिए सुपर ट्रेंड यहाँ पर ग्रीन है बट ये वाला कैंडल हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है तो इसके लिए हम एंट्री नहीं लेंगे। अरे ये क्या बात होती है, आपको हाई पे एंट्री लेना है, आपको लाइव मार्केट में थोड़ी पता चलेगा कि ये कैंडल हाई के ऊपर क्लोज होएगा कि नहीं। ऑब्वियसली हाई क्रॉस किया तो ही आपको एंट्री लेना चाहिए, जैसे उन्होंने पहले बोला था। शायद उनको पहले से पता था कि ये एग्जांपल में लॉस होगा, इसके लिए उन्होंने ये रूल अचानक से डाल दिया कि आपको कैंडल हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट डे 16 को एंट्री अपने को नहीं मिलती है तो उसके बाद वाले डेज पे जाएंगे 17 को। ये वाला एग्जांपल कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप पहला कैंडल आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड रेड है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ सेल का एंट्री ले सकते हो, राइट? इसमें बोलते हैं कि देखिए इसका हाई और लो आपने मार्क किया है, अभी जस्ट 10 बजे को ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है बट सुपर ट्रेंड रेड है इसलिए आप एंट्री नहीं लोगे। अभी नेक्स्ट कैंडल में आप देखोगे सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ और ये कैंडल ऊपर है
इसलिए हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेंगे क्लोज पे और स्टॉप लॉस ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखेंगे और टारगेट सेम 1.5 टाइम्स द रिस्क और ये भी विन. What happened to the original plot of the movie? What happened to the original plot of the movie? भाई ये क्या है, इधर तुमने अपने सेटअप में पहले ही रूल्स को डिफाइन किया था और कहा था कि आपको पहले के 2-3 कैंडल्स में ही एंट्री लेना है और उसके आगे नहीं जाना है. चलो ठीक है, मैं एक बार अज्यूम कर ले तो यहाँ पर आप 10-15 कैंडल तक आप एंट्री ले सकते हो. ठीक है, फिर ये बोलते हैं ये 10-15 का कैंडल का सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है इसलिए हमने एंट्री लिया है, ये तो रूल्स में था ही नहीं और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रहेगा. अरे भाई एक तो रूल फॉलो करो तुम्हारा, ये वाला एग्जांपल में ये इतना ऊपर गया है इसके लिए तुमने ये वाला एग्जांपल में ऐसा रूल्स चेंज किया. अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, उन्होंने ये भी बोला यहाँ पर सुपर ट्रेंड ग्रीन है और एंट्री हम हाई पे लिए है और स्टॉप लॉस कैंडल का लो है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क और यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ. एटलीस्ट ये एग्जांपल तो उन्होंने वीडियो में सही से कवर किया है और ये भी बोला है कि वो अपने चैनल पे सिर्फ फैक्ट्स कवर करते हैं. अब ये नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, उन्होंने बोला कि आपको 11:15 को एंट्री मिला. अरे भाई ये क्या कर रहे हो यार, रूल्स तो पहले 2-3 कैंडल का था फिर तुमने 10:15 तक गए थे, अब ये 4 कैंडल से तुम सीधा 8वें कैंडल पे एंट्री ले रहे हो. ऐसा मत करो, खुद के तो रूल्स फॉलो करो. ऑनेस्टली यहाँ पर रूल के हिसाब से आप यहाँ पर 9:45 पे एंट्री मिल जाना चाहिए था आपको. उन्होंने ये एग्जांपल में ये बोला कि आपका 11:15 को आपको एंट्री लिया है और स्टॉप लॉस डे का हाई है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क और ये विन है करके. ऑनेस्टली ये वीडियो देख के मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ, और आगे कंटिन्यू करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बट ये एग्जांपल भी जरूरी है इसके लिए मैं ले रहा हूँ. इस केस में उन्होंने एग्जांपल में यहाँ एंट्री नहीं लिया और बोला ये ब्रेकआउट वाला कैंडल पे एंट्री लेंगे. स्टॉप लॉस सिंस कैंडल बहुत बड़ा है इसलिए हम स्टॉप लॉस को कैंडल के बीच में रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क और वो विन. ये जो कैंडल है ना, दिस इज अराउंड 0.82%. उन्होंने बोला ये कैंडल बड़ा है इसलिए हमने स्टॉप लॉस इधर सेंटर पे रखा. अभी जो अपन ने सेकंड एग्जांपल देखा था ना, ये पीछे देखिए, ये 12th मई वाला, यहाँ पर ये जो कैंडल है दैट इज 0.88%. इधर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इतना सब्जेक्टिव रूल्स उन्होंने समझाया है कि क्या बताओ. मैं और आगे कवर नहीं कर रहा हूँ इनका एग्जांपल, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ गया. सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत यूट्यूबर्स है जो अपने कन्वीनियंस और ट्रेड विन दिखाने के लिए आपको कुछ भी बोल देंगे और अपने ही रूल्स नहीं फॉलो करेंगे और बोलेंगे कि ये सेटअप कितना अच्छा है, और गलती हमारी है, हम भी इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना कुछ सोचे और सवाल करे और फिर बोलते कि हमें लॉस हो रहा है. तो इधर गलती किसकी है, उनकी कि हमारी? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन करना चाहिए, सीखिए, ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो, मेरे को भी नहीं. मैं जो भी सेटअप दिखाऊँ आपको खुद को टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि सेटअप सही है कि नहीं है. चलिए बहुत बिल्डअप हो गया, अब रूल्स देखते हैं और फिर रिजल्ट्स भी देख लेंगे. ऑब्वियसली मैं रूल्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है ताकि रूल्स ऑब्जेक्टिव हो. सो रूल्स फॉर बाय एंट्री, सुपर ट्रेंड फॉर 9:15 कैंडल शुड बी ग्रीन, प्राइस शुड ब्रेक फर्स्ट कैंडल हाई, यू कैन ओनली टेक एंट्री बिफोर और एट 10:15. बेसिकली हम मैक्स टू मैक्स एंट्री 10:15 तक लेंगे और उसके बाद हम एंट्री नहीं लेंगे. एंट्री जैसे ही आपका कैंडल का हाई ब्रेक होता है उधर हमारा एंट्री होगा. स्टॉप लॉस अगर ये 9:15 का कैंडल 0.6% से छोटा है तो उसके लो पे अपन स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर ये 9:15 वाला कैंडल 0.6% के ऊपर है तो उसके मिडल में स्टॉप लॉस रखेंगे. मेजर एग्जांपल्स में उन्होंने 0.6% वाले कैंडल ही दिखाया था और कहा था कि इसके लो पे रख रहे, इसके लिए हमने 0.6% ही की लिया है इस केस में और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क. ये 20 मई वाला ही एग्जांपल देखिए, या सुपर ट्रेंड ग्रीन है, कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे, सिंस ये कैंडल 0.6% के ऊपर है तो स्टॉप लॉस मिडल में रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क एंड दैट्स अ विन. चलिए अब सेल एंट्री भी देख लेते हैं. फर्स्ट सुपर ट्रेंड फॉर 9:50 कैंडल शुड बी रेड, प्राइस शुड ब्रेक फर्स्ट कैंडल लो, यू कैन ओनली टेक एंट्री बिफोर और एट 10:15. इसमें भी हम मैक्स टू मैक्स 10:15 के तक ही एंट्री लेंगे और उसके बाद हम एंट्री नहीं लेंगे. एंट्री जैसे ही कैंडल अपना लो ब्रेक करता है उधर एंट्री लेंगे. स्टॉप लॉस अगर जो फर्स्ट कैंडल है वो 0.6% से छोटा है तो उस कैंडल का हाई पे अपन स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर फर्स्ट कैंडल 0.6% के ऊपर है तो कैंडल के मिडल में स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क. यहाँ भी हम ये 12 मई वाला एग्जांपल देखते हैं. यहाँ सुपर ट्रेंड रेड है और कैंडल के लो पे हमें एंट्री मिलता है. सिंस ये कैंडल 0.6% के ऊपर है तो हम स्टॉप लॉस इसके मिडल में रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क एंड दैट्स अ विन. चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है और ऑब्जेक्टिव है अभी फिलहाल.
आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है तो इस स्ट्रैटेजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 52 वॉज विन एंड 48 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 52%। टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 39.07%। मैक्स ड्रॉडाउन इज -8.06%। रिस्क पर ट्रेड भी 4.26% है। कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 6 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 4। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 7.462 मंथ्स। जैसे आप देख सकते हो रूल्स ऑब्जेक्टिव हमने किया है, उसके बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। 39.07% गेन इन 7.462 मंथ्स एंड ड्रॉडाउन इज ऑल्सो -8.06%। इन नो वेज दिस इज अ बैड स्ट्रैटेजी, बट रिप्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी का बहुत गलत तरीके से उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया है। जो रूल्स है वैसे ही फॉलो करो ना, स्ट्रैटेजी ज़्यादा ही अच्छा है ऐसा प्रूव करने मत जाओ। एनीवेज जैसे आप देख सकते हो रिजल्ट्स आर वेरी प्रॉफिटेबल। कूडोज टू शेखर थरोड फ्रॉम ट्रेड स्विंग्स फॉर शेयरिंग सच एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी। यू कैन चेक हिज चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज जैसे मैं आपको बोलता हूँ, सीधा मेरी बात या किसी की बात आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रैटेजी को आपको खुद को पहले टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रैटेजी कैसा है। So I'll add the strategy in the Google Sheet, link in the description, and this takes the 6th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification, and do like the video and share the video. अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा, या अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जीरोधा का लिंक दे दूंगा। हमारे लिंक से अकाउंट बना के चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर किया है। आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो। प्लीज कमेंट में आपकी फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रैटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।